जिला शाहजहांपुर के किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में चल रहे आंदोलन में भाग लिया। बता दें कि करीब 8 महीने से आंदोलन लगातार चल रहा है। किसान विरोधी जालिम सरकार टस से मस नहीं हो रही। जिला शाहजहांपुर के भारतीय किसान यूनियन टिकैत के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मंजीत सिंह, बरेली मंडल प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह यादव के साथ काले कानूनों को रद्द कराने के लिए 500 किसानों के साथ जोरदार प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। किसान विरोधी मोदी सरकार, काले कानून रद्द करो रद्द करो, किसान एकता जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, ऐसे न जाने कितने नारे कार्यकर्ता लगाते हुए प्रदर्शन में मग्न हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली में चल रहे आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जहां करीब 8 माह से ये आंदोलन लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें, शाहजहांपुर के भारतीय किसान यूनियन टिकैत के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मंजीत सिंह, बरेली मंडल प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह यादव के साथ काले कानूनों को रद्द कराने के लिए 500 किसानों के साथ जोरदार प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। शाहजहांपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। जिला गोरखपुर विधानसभा कैपियरगंज में यूजन सभा की समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शुभांगी द्विवेदी प्रदेश सचिव यूजन सभा की अगुवाई में हुई, जिस दौरान शुभांगी द्विवेदी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और 2022 में सपा सरकार बनाने पर विचार विमर्श किया, जहां पर उपस्थित रहे सपा के वरिष्ठ नेता साधु यादव, सुरेंद्र नाथ यादव, यूजन सभा के जिला अध्यक्ष राहुल यादव सहित जनसभा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता रवि की रिपोर्ट।